हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू SOIC। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 4 यूनिक बिजनेसेस की बात करेंगे एंड साथ साथ हम ये बात करेंगे कि जब इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए तो इन बिजनेसेस में क्या डेवलपमेंट हो रही है। एंड द पर्पस ऑफ टुडेज वीडियो इज टू कीप ट्रैकिंग द बिजनेसेस जो हमने चैनल पे ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस करें एंड ऑल्सो दिस विल टीच यू अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनेंस रिसर्च। तो दो तरीके की रिसर्च होती है, वन इज इनिशियल रिसर्च एंड द सेकंड वन इज मेंटेनेंस रिसर्च। सो व्हाट इज इनिशियल रिसर्च? सो इनिशियल रिसर्च बेसिकली मींस जब आप फर्स्ट टाइम किसी बिजनेस आइडिया को पढ़ रहे हो तो इनिशियल रिसर्च में काफी मेहनत लगती है बिकॉज यू गो थ्रू द वैल्यू चेन ऑफ द कंपनी। आप देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, कि मैनेजमेंट क्लीन है या नहीं है, इसके अलावा कंपनी ग्रो कैसे करेगी नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में। ऑल दोज थिंग्स वी लुक फॉर इन इनिशियल रिसर्च। फिर होती है मेंटेनेंस रिसर्च। तो अब जमाना बाय होल्ड एंड फॉरगेट वाला नहीं है। द वे टू डू मिड कैप और स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग इज टू बाय होल्ड एंड मॉनिटर। दैट इज द राइट वे एज कम्पेयर टू बाय होल्ड एंड फॉरगेट, बिकॉज बाइंग होल्डिंग एंड मॉनिटरिंग इज वन ऑफ द की वेज टू अचीव सक्सेस इन स्मॉल एंड मिड कैप इन्वेस्टिंग। बिकॉज काफी बारी फैक्ट चेंज हो जाते हैं, वॉलेटाइल कंपनीज हैं, इमर्जिंग बिजनेसेस हैं। सो दिस इज वाई वी नीड टू रिमेंबर कि इस वीडियो में मैं आपको मेंटेनेंस रिसर्च एंड बाय होल्ड एंड सॉर्ट ऑफ जो फ्रेमवर्क मॉनिटर वाले वो आपको मैं सिखा रहा हूँ। सो अगेन यहाँ पे हम जो बिजनेसेस की बात करें, सो दिस विल टीच यू कि मेंटेनेंस रिसर्च कैसे होती है। तो फर्स्ट यूनिक बिजनेस की तरफ आते हैं एंड द नेम ऑफ द फर्स्ट यूनिक बिजनेस इज, जो हमने इस चैनल पे आज से 1.5-2 साल पहले भी कवर करा था, सो नेम ऑफ दैट बिजनेस इज उषा मार्टिन। तो हम इस बिजनेस का डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? बिकॉज फर्स्ट टाइम एवर आफ्टर बेसिकली जो भी पूरा रीस्ट्रक्चरिंग हुआ कंपनी का, तो कंपनी के अंदर दो बिजनेसेस थे, एक स्टील का बिजनेस था और एक स्टील रोप्स एंड वायर्स का बिजनेस था। तो स्टील रोप्स एंड वायर्स अगर आप इनकी एंड यूसेज एप्लीकेशन देखेंगे, जो आपके जो जितने भी फ्लाई ओवर्स बने हैं उसके अंदर यूज होता है, साथ साथ इसके अलावा जो आपकी लिफ्ट्स होती हैं उसमें यूज होता है, माइनिंग के अंदर यूज होता है, जितने भी सोलर एंड विंड एनर्जी की इंस्टॉलेशन है उसके अंदर भी यूज होती है। सो दिस इज व्हाट द एंड यूज एप्लीकेशन इज। वेयरएज इनका जो स्टील का बिजनेस था, तो उन्होंने स्टील की मिल लगाई थी इन 2000s, जहां पे बहुत ज्यादा स्टील का बूम चल रहा था। तो स्टील की मिल क्यों लगाई थी? बिकॉज बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने के लिए, कि रॉ मटेरियल भी इन हाउस बना रहे हैं। बट हुआ क्या कि जैसी स्टील की साइकिल खराब हुई तो कंपनी की बैलेंस शीट खराब हो गई एंड कंपनी ने बहुत डेट लिया हुआ था। बट 2019-2020 ने कंपनी ने अपना जो स्टील का प्लांट था उसको सेल ऑफ कर दिया एंड उसके प्रोसीड्स यूज करके कंपनी ने डीलेवरेजिंग कर ली। तो आप इनकी बैलेंस शीट पे देख सकते हैं कि लास्ट 4-5 ईयर्स में डेट किस स्पीड पे बेसिकली रिड्यूस हुई है। तो आज से जब हमने 1.5-2 साल पहले वीडियो बनाई थी, तभी भी हमने ये बात करी थी कि इस कंपनी में डीलेवरेजिंग हो चुकी है एंड अब जो वैल्यू एडेड पार्ट ऑफ द बिजनेस है, दैट इज स्टील वायर्स एंड स्टील रोप, सिर्फ वही पार्ट ऑफ द बिजनेस हमें दिखता है। पर आज इस बार कंपनी ने फर्स्ट एवर कॉन कॉल करी एंड कॉन कॉल से कंपनी की और भी फाइनल डिटेल्स पता लगी बिजनेस बारे में, बिकॉज बिजनेस इज वेरी कॉम्प्लेक्स टू डू, क्योंकि आप कस्टमर्स के लिए स्टील वायर्स एंड स्टील रोप्स कस्टमाइज कर रहे हैं। सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स। फिर आप कस्टमर से आप बिजनेस विन कर रहे हैं, दैट इज अगेन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। एंड थर्ड थिंग इज कि आप ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेजेंट है। तो अगर इस बिजनेस के अंदर हम ये चीज चेक करते हैं कि इस बिजनेस की प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे है, देन यू विल फाइंड कि कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, रांची में तो लार्जेस्ट है, फिर होशियारपुर में, फिर बैंकॉक में भी है, दुबई में भी है, यूके में भी है और सिलवासा में भी है। एंड ग्लोबल डिजाइन सेंटर कंपनी का इटली के अंदर है, जहाँ पे कंपनी रोप्स एंड वायर्स को डिजाइन करती है। फिर वर्ल्ड वाइड नेटवर्क भी है कंपनी का, तो हर एक जगह जाके आपने बेसिकली वेयर हाउस लगा रखा है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। देन वेरी हाई नंबर ऑफ SKUs है। हाई नंबर ऑफ SKUs का मतलब, क्योंकि एंड यूजर एप्लीकेशन इतनी सारी है, सो यू विल हैव टू मेंटेन अ हायर नंबर ऑफ पीसेज ऑफ इन्वेंट्री। सो दिस लीड्स टू कॉम्प्लेक्सिटी इन B2B बिजनेसेस। ये बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के अंदर भी सेम कॉम्प्लेक्सिटी थी एंड गरवारे टेक्निकल टेक्सटाइल में भी सेम कॉम्प्लेक्सिटी है। सो अगेन यहाँ पे एंड यूसेज एप्लीकेशन देखते हैं बिजनेस की। सो वी विल फाइंड की इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल एंड ऑफशोर, क्रेन, ऑटो, एलिवेटर, यूटिलिटीज, माइनिंग, फिशिंग, ऑल दीज आर एंड यूसेजेस। एंड जोग्राफिकल सेगमेंटेशन देखते हैं तो 45% रेवेन्यू आज इंडिया से आता है, 22% यूरोप से आता है, 16% एशिया से आता है, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका से 9% आता है एंड अमेरिका से 8% आता है। एंड प्रोडक्ट सेगमेंटेशन में LRPC is 15%, LRPC commoditized segment है, यहाँ पे बहुत सारे लोग capacity expand कर रहे हैं, but wire rope which is a differentiated business आज 67% है, wire and strand 10% है and other part of the business इस time पे 8% के आसपास है।
एंड कंपनी में एंट्री बैरियर्स क्या बिजनेस में, दैट इज क्रिटिकल कॉम्पोनेंट ऑफ एंड प्रोडक्ट की हाई एंड एप्लीकेशन में यूसेज है, एज एज वायर रोप्स आर मिशन क्रिटिकल कॉम्पोनेंट्स. फिर क्लोज कस्टमर एंगेजमेंट है, क्योंकि कस्टमर के अप्रूवल एंड एंगेजमेंट के बाद ही आप प्रोडक्ट सप्लाई कर सकते हैं, एंड दैट टेक्स एन नंबर ऑफ ईयर्स. देन हाई कस्टमर स्विचिंग कॉस्ट भी हो जाता है, बिकॉज कस्टमर्स हैव लिटिल इंसेंटिव टू स्विच वंस प्रोडक्ट इज इंट्रेंच्ड इन देयर इकोसिस्टम. एंड फाइनली टेक्निकल नो हाउ भी है फॉर डिजाइन एप्लीकेशन एंड नॉलेज ऑफ द इंडस्ट्री विच टेक्स ईयर्स टू बिल्ड. एंड यूसेज एप्लीकेशन देखेंगे तो फिशिंग दिखेगी आपको, केबल लाइक केबल सपोर्टेड ब्रिजेस एंड स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, माइनिंग दिखेगी, माइनिंग के साथ साथ आपको एरियल ट्रांसपोर्टेशन, हाई स्पीड एलिवेटर्स, हाई कैपेसिटी क्रेन पोर्ट्स, ये सारी चीजें आपको जो कंपनी की एंड यूसेज एप्लीकेशंस हैं उसके अंदर दिखेंगी. बट व्हाट हैज हैपेंड इन द बिजनेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कि कंपनी जो कमोडिटाइज्ड पार्ट ऑफ द बिजनेस है, दैट इज ऑफ एलआरपीसी स्ट्रैंड्स, उसको कंपनीज इंटेंशनली लेटिंग गो ऑफ. एंड कंपनी अपना वायर रोप्स के अंदर, विच इज द वैल्यू एडेड बिजनेस जहां पे कस्टमाइजेशन भी बहुत होती है, वहां पे कंपनी अपना फोकस और बढ़ा रही है. तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का मिक्स बढ़ रहा है. तो कंपनी की कॉन कॉल में गाइडेंस क्या थी कि दे आर एक्सपेक्टिंग टू ग्रो एट 15-18%. अगेन ये कॉन कॉल में से है. एंड सेकेंड गाइडेंस क्या है कंपनी की कि कंपनी का जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का मिक्स है, दैट शुड कीप इंक्रीजिंग गोइंग फॉरवर्ड. एंड थर्ड थिंग व्हाट लुक्स इंटरेस्टिंग अबाउट द बिजनेस इज कि नाउ दिस इज अ प्योरली बेसिकली वैल्यू एडेड बिजनेस लेफ्ट. तो स्टील का जो कमोडिटी वाला पार्ट था वो इस बिजनेस में से हट चुका है. एंड आज भी थोड़ा सा परसेप्शन कंपनी का इन्वेस्टर्स आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अप्रिसिएशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि पहले 8 या 10 की पीई पे होता था, फाइनली 20 टाइम्स पीई रेशियो पे आज बिजनेस आ चुका है. इसके अलावा अगर हम देखेंगे बिजनेस के अंदर, तो कंसोलिडेटेड जो रेवेन्यू का ब्रेक अगर आप वो देखते हैं कि रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आ रहा है, तो FY23 के अंदर 67% वायर रोप्स है, जो 61% होता था FY22 में. अगेन वैल्यू एडेड जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे इंप्रूव होते जा रहे हैं. एंड ऑल्सो अगर बैरियर्स टू एंट्री देखेंगे तो यहाँ पे मैनेजमेंट भी बताती है कि बैरियर टू एंट्री इज द इंडस्ट्री आर हाई बिकॉज ऑफ लॉन्ग कस्टमर अप्रूवल साइकिल एंड क्रिटिकल एप्लीकेशंस. एंड इसके साथ साथ वन थिंग दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोटिस इज कि सेक्टर्स शोइंग टेलविंड्स, कि कंपनी के जो मेजर एंड यूजर सेक्टर्स हैं लाइक बेसिकली माइनिंग इन ऑस्ट्रेलिया, अमेरिकाज एंड साउथ अफ्रीका, लाइक अगर आप ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, लाइक ऑफशोर जो विंड मिल्स की इंस्टॉलेशन है यूरोप के अंदर वो बात करते हैं. सो कंपनी सप्लाइंग ऑल दीज प्रोडक्ट्स ओवर देयर. एंड माइनिंग में क्यों आ रहा है, क्योंकि एक इंडस्ट्रियल कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, तो माने इसकी 10-12 मंथ्स की लाइफ होती है, कुछ कुछ वायर्स की सिर्फ 3 मंथ्स की भी लाइफ होती है. सो व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज कि माइनिंग सेक्टर के अंदर अगर आप टेगा इंडस्ट्रीज और AI इंजीनियरिंग को भी देखेंगे तो बोथ ऑफ देम आर टॉकिंग अबाउट रियली फास्ट growth. So same scenario के अंदर इस time पे Usha Martin is also the beneficiary of those similar tailwinds. And also अगर इस time पे अगर आप observe करते हैं company की जो reported financial numbers में कैसे improvement आया, then you will notice again is that इस quarter के results में company का जो basically interest cost था सिर्फ 8 crores रह गए, जो एक time पे 17 crores होता था. एंड कंपनी का जो EBITDA है, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 154 करोड़ का हो गया, जो सेम क्वार्टर Q4 FY22 में 107 करोड़ का होता था. एंड मार्जिन्स हैव इंप्रूव्ड फ्रॉम 14% टू 18%. सो अगेन यू सी द मार्जिन्स आर इंप्रूविंग एंड ऑल्सो द कंपनी इज डूइंग वेल. एंड साथ कंपनी इज एबल टू पास ऑन ऑल द रॉ मटेरियल कॉस्ट हाइक्स टू द एंड कस्टमर्स. सो अगेन दिस इज अ कन्वर्टर बिजनेस, बट इट हैज यूनिकनेस इन द सेंस कि आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा और हाई नंबर ऑफ SKUs रखने पड़ेंगे. रिस्क क्या हो सकता है बिजनेस में, एक तो रिस्क हो सकता है कि कंटिंजेंट लाइबिलिटीज बहुत है बिजनेस में. सेकंड क्या कि अगर ग्लोबली स्लो डाउन आ गया माइनिंग के अंदर, ग्रीन एनर्जी इंस्टॉलेशन के अंदर, लाइक रियल एस्टेट के अंदर स्लो डाउन आ गया, लाइक ऑयल एंड गैस के अंदर स्लो डाउन आ गया, अगर एंड यूजर इंडस्ट्रीज में स्लो डाउन आता है, सो देर इज ऑल्सो अ प्रोबेबिलिटी कि कंपनी विल ऑल्सो गो थ्रू अ स्लो डाउन. सो दीज आर द रिस्क पॉइंटर्स विच आर देयर. बट अगेन दिस इज वन ऑफ द यूनिक बिजनेसेस जिसकी फर्स्ट एवर कॉन कॉल हुई थी. एंड आइडिया ऑफ दिस वीडियो इज टू डिस्कस दोज कंपनीज जो हमने पहले भी एक आपके साथ पढ़ी हुई है, एंड साथ उन कंपनीज की आपको मैं मेंटेनेंस रिसर्च करना सिखा रहा हूँ. सो दिस इज द फर्स्ट बिजनेस. नाउ कमिंग टू द सेकंड वन, तो हम सेकंड बिजनेस की बात करते हैं. नाउ सेकंड बिजनेस बिलोंग्स टू अ सेक्टर जहाँ पे आज बहुत हेडविंड्स है. तो रिसेंटली अगर हम एग्रोकेमिकल सेक्टर की बात करें, तो एग्रोकेमिकल सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज ने खराब रिजल्ट रिपोर्ट करें, चाहे आप स्मॉल कैप में से एस्टेक का एग्जांपल ले लें, पंजाब केमिकल्स का एग्जांपल ले लें. ऑल दीज कंपनीज आर करेंटली इन स्टेज 4, क्योंकि जेनेरिक के एग्रोकेमिकल के प्राइसेस गिर रहे हैं.
But in spite of this, companies like PI Industries and SRF have reported very solid growth in agrochemicals. तो अगर हम SRF की बात करते हैं इन सारे businesses में से, तो SRF के अगर आप full financial year के results देखते हैं, तो actually में chemical and polymer का business में almost 5,241 crores है top line, 7,411 crores हो गई है. Whereas EBIT has gone from 1,400 crores to 2,341 crores. Whereas अगर आप इस quarter में EBIT margins देखते हैं SRF के, तो केमिकल बिजनेस में 35% हो गए जो लास्ट ईयर 32% होते थे. अगेन क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमेशा क्वार्टर वन के अंदर डिक्लाइन रहता है क्योंकि लास्ट क्वार्टर इज वेरी गुड फॉर एफ गैसेस एज वेल. अगर आप पैकेजिंग फिल्म्स के मार्जिन देखते हैं तो बोपेट और बॉप में इस टाइम पे सेक्टर के अंदर ब्लो अप चल रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर सप्लाई आ गई है. तो बोपेट और बॉप में सिर्फ 4% ईबिटा मार्जिन आप अगर देखें तो ईबिट मार्जिन है इस टाइम पे. वेराज अगर आप टेक्निकल टेक्सटाइल देखें तो वहाँ पे भी प्रॉफिटेबिलिटी नॉर्मलाइज हो गई है फ्रॉम 18% टू 11%. सो दिस इज वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कंग्लोमरेट्स में हम ये देखें कि विच पार्ट ऑफ द बिजनेस इज लीडिंग टू द लाइक ग्रोथ. तो फुल फाइनेंशियल ईयर बेसिस पे देखेंगे तो केमिकल बिजनेस का ईबिट मार्जिन FY22 से लेके FY23 में काफी हद तक काफी ज्यादा ग्रोथ आई है. तो माने आज ओवरऑल ईबिट के अंदर केमिकल बिजनेस हैज स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग टू मोर देन 70%. सो दिस इज विद SRF. एंड SRF की कॉनकॉल में क्या अपडेट्स थे? दैट द कंपनी जो अपना स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस है इसमें अभी भी 20% प्लस ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है. सेकंडली जो पैकेजिंग फिल्म्स बिजनेस है अगले 3-4 क्वार्टर तक हो सकता है अभी भी खराब रहे क्योंकि उसमें बहुत ओवर सप्लाई आ चुकी है. इनका एल्यूमिनियम फॉइल्स का प्रोजेक्ट लग रहा है विच विल मेक देम वन ऑफ द ओनली बॉप एंड बोपेट मैन्युफैक्चरर्स विच मैन्युफैक्चरर्स इवन एल्यूमिनियम फॉइल. एंड साथ साथ कंपनी का 13,000 करोड़ का केमिकल बिजनेस के अंदर केपेक्स प्लान है ओवर नेक्स्ट 3-4 इयर्स. एंड इस साल के अंदर 2500 करोड़ का कैश केपेक्स एग्जीक्यूट होएगा विच विल स्टार्ट कमिंग ऑनलाइन इन सेकंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर. फ्लोरोपॉलीमर्स के अंदर भी SRF इस टाइम पे एंटर कर रहा है एंड फ्लोरोपॉलीमर्स का जो PTFE का कमिशनिंग है that will again take 1-2 quarters. And FY24 में 50% capacity utilization की बात करिए. पर क्वार्टर वन फ्लोरिनेशन प्लेयर्स का चाहे वो गुजरात फ्लोरोकेम हो चाहे वो SRF का हो अकॉर्डिंग टू बोथ देयर कॉनकॉल्स हो सकता है इस टाइम पे सॉफ्ट हो क्योंकि दोनों के लिए जो इस बारी क्योंकि इंडिया के अंदर जब अगर समर्स की बात करें तो इतनी गर्मी नहीं पड़ी तो दोनों का जो रेव गैस बिजनेस है दैट कैन बेसिकली गेट इम्पैक्टेड. तो यही रिस्क है बिजनेस के अंदर. तो रिस्क है कि आपका पैकेजिंग फिल्म्स बिजनेस इज नॉट डूइंग वेल. टेक्निकल टेक्सटाइल हैज आल्सो ब्लोन अप पर आपका केमिकल बिजनेस इज डूइंग वेल. पर अगर केमिकल बिजनेस में भी कुछ सॉफ्टनेस हो सकती है तो अगर हम यहाँ टेक्निकल चार्ट्स में भी देखेंगे तो कंपनी आपको 2 ईयर्स के कंसोलिडेशन पैटर्न में दिखेगी. सो दिस इज वाई कंसोलिडेशन इज ऑल्सो करेंटली हैपनिंग. बट एज एन इन्वेस्टर यू नीड टू कीप एन आई. अगर आपको कुछ ट्रैक करना है तो यू नीड टू कीप ट्रैकिंग कि केमिकल बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी इज ओवरऑल बिजनेस के अंदर किस स्पीड पे इंप्रूव करती है. एंड केमिकल बिजनेस के अंदर अभी भी इनका जो बेसिकली ब्रॉड गाइडेंस है दैट इज ऑफ 20% प्लस ग्रोथ. सो अगेन SRF की भी वीडियो हमने आपके लिए कमेंट सेक्शन में अटैच कर दिए. एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दोज यूनिक बिजनेसेस जो एक एनवायरमेंट में जहां पे केमिकल कंपनीज अच्छा नहीं कर रही दिस कंपनी स्टिल डिलीवर्ड एक्सट्रीमली गुड रिजल्ट्स. सो दिस इज अ सेकंड यूनिक बिजनेस. नाउ बिफोर गोइंग फॉरवर्ड इन द वीडियो अभी तक तो हमने सीखा कि वाई वी शुड ऑलवेज बी अ बाय होल्ड एंड मॉनिटर इन्वेस्टर. सो इसके साथ साथ ऑल्सो यू नीड टू हैव एन एग्जिट सिस्टम इन प्लेस एंड एन एंट्री सिस्टम इन प्लेस. एंड आपको ये भी जरूरी आना चाहिए कि कंपनी की वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. अगर रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है स्टॉक्स के अंदर बिना एक एंट्री एग्जिट सिस्टम और बिना एक कंपनी की वैल्यूएशन जाने देन एक बहुत बड़ा रिस्क रह सकता है. रिस्क फैक्टर क्या रहता है कि आपके पास अगर कोई चीज़ खराब होती है तो एग्जिट सिस्टम नहीं है. आपके पास सिस्टम नहीं है कि ये कोई कंपनी अच्छा कर रही है तो उसको कैसे फिल्टर करूँ. एंड ऑल्सो यू डोंट हैव अ सिस्टम विच विल टीच यू हाउ टू वैल्यू अ कंपनी और हाउ टू फाइंड इंट्रिंसिक वैल्यूएशन ऑफ अ स्टॉक. सो ऑल दीज थिंग्स वी टीच इन वन SOIC मेंबरशिप जहाँ पे हमारा पर्पज है कि सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को वी हैव टू मेक देम इनटू अ कंप्लीट इन्वेस्टर कि उनके पास एक आइडिया हो कि अगर किसी बिजनेस में कुछ खराब हो रहा है जैसे आपने लास्ट 5-7 ईयर्स के अंदर देखा ही होगा कि आप जितना भी एनालिसिस कर लें कभी ना कभी न्यू फैक्ट्स कम टू लाइट. इफ न्यू फैक्ट्स कम टू लाइट एंड यू डू नॉट हैव एन एग्जिट सिस्टम इन प्लेस देन अगेन इट कैन बी वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक. तो इस वजह से बाय होल्ड एंड मॉनिटर के साथ ऑलवेज हैव एन एंट्री एग्जिट सिस्टम एंड साथ हाउ टू वैल्यू स्टॉक्स यू शुड डेफिनेटली लो द थर्ड पॉइंट. सो ऑल दीज की थिंग्स वी टीच इन L3 एंड L4 ऑफ SOIC मेंबरशिप. एंड इसके साथ साथ हम आपको ये भी सिखाते हैं अगर आप बिगनिंग और या फिर बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट अगर आप सीखना चाहते हो तो Level 1 के अंदर है. एंड Level 2 के अंदर वी टीच यू अबाउट द बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस. एंड फाइनली Level 5 में हम आपको क्या सिखाते हैं. Level 5 में वी ऑल्सो टीच यू हाउ यू इंडिपेंडेंटली कैन फाइंड लाइक मल्टीपल स्टॉक आइडियाज. सो ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ वन SOIC मेंबरशिप. एंड इफ यू वॉन्ट टू रजिस्टर फॉर द SOIC मेंबरशिप द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन.
बिलो एंड करेंटली SOIC का 3 ईयर एनिवर्सरी चल रहा है क्योंकि यूट्यूब चैनल वॉज ऑल्सो पेड इन जून लाइक ऑलमोस्ट 3 ईयर्स अगो. सो इफ यू वॉन्ट टू सब्सक्राइब टू दी SOIC मेंबरशिप लिंक इज देर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड यू कैन यूज द 3 ईयर एनिवर्सरी ऑफर. नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो एंड कमिंग टू द थर्ड यूनिक बिजनेस आइडिया. नाउ थर्ड सच यूनिक बिजनेस विच इज गोइंग थ्रू अ पेन पीरियड राइट नाउ इज अ कंपनी जो लेटेक्स एंड सिंथेटिक रबर के अंदर है. तो इस कंपनी का नाम एप्कोटेक्स है एंड साथ साथ इस कंपनी के अंदर अभी क्या चल रहा है कि लेटेक्स के अंदर इनका ह्यूज कैपेसिटी आया है इस टाइम पे. आई थिंक वाली एंड तलोजा दोनों जगह इनका प्लांट आया है एंड ऑलमोस्ट जो क्यूमुलेटिव कैपेसिटी है लेटेक्स की मोर देन 70,000 to 80,000 टन की आई है. कंपनी की अगर आप एवोल्यूशन देखते हैं then you will find that company 1980 mein it was started as a division of Asian Paints and pioneered the manufacturing of vinyl pyridine latex and baad mein jo emulsion polymers hai paint industry ke liye wo banati thi jo aaj inka bahut kam business hai. fir 1998 mein maze business ne jo styrene rubber uski production start kari. 2016 mein company ne apne peer ko khareed liya nitrile rubber ke andar. 2019 mein company entered into nitrile latex business for gloves application. 2021 mein company ne taloja mein recently 65,000 टन्स का प्लांट लगाया है एंड वालिया के अंदर 21,000 टन्स का प्लांट लगाया था राइट एंड न्यू नाइट्राइल लेटेक्स कैपेसिटी ऑफ 50,000 टन्स एट वालिया विल बी फर्दर एक्सपेंडेड टू 80,000 टन एंड जो तालोजा का लेटेक्स प्लांट स्विंग कैपेसिटी 100,000 टन्स पर एनम की करती है. सो बेसिकली अगर आप यूसेज देखेंगे इनके प्रोडक्ट्स की तो पहले नाइट्राइल रबर दिखेगा आपको जो बेसिकली आपके फुटवेयर के अंदर यूज होता है एंड आपके साथ साथ जो बेसिकली ऑटो है उसके अंदर भी बहुत ज्यादा यूज होता है एंड देन इसके अपार्ट फ्रॉम दैट इस कंपनी की जो यूसेज है बेसिकली जो एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट्स है उसके अंदर भी और फायर होसेस के अंदर भी है. वेयरएज अगर आप सिंथेटिक लेटेक्स देखते हैं तो कंस्ट्रक्शन पेपर कारपेट टायर कॉर्ड ग्लव्स एंड जो अदर स्पेशलिटी यूसेज है उसके अंदर होती है. सो अगेन दिस कंपनी करंटली इज गोइंग थ्रू अ डाउन साइकिल जहां पे पेन पीरियड है. पेन पीरियड क्या है कि कंपनी ने नाइट्राइल लेटेक्स की कैपेसिटी बहुत लगाई है एंड नाइट्राइल लेटेक्स के जो एंड यूसेज है दैट इज इन मेडिकल ग्लव्स मैन्युफैक्चरिंग. कोविड के बाद क्या हुआ कि वर्ल्ड के अंदर मेडिकल ग्लव्स की ओवर कैपेसिटी हो गई एंड मेडिकल ग्लव्स का जो एक्सपायरेशन पीरियड है वो 3 ईयर्स का होता है. तो नाइट्राइल लेटेक्स का जब इन्होंने कैपेसिटी अनाउंस जब एक्सपैंड करा तो बहुत सारे जो मेडिकल ग्लव्स मैन्युफैक्चरर हैं तो बेसिकली उनके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री पड़ी हुई है. बट दैट साइकिल स्टार्टेड बाय द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर 2021. तो हमारी 2021 के एंड में वो साइकिल स्टार्ट हुई थी एंड अभी 2023 चल रहा है. तो कभी भी ये साइकिल जब भी रिजॉल्व होती है तो इनका नाइट्राइल लेटेक्स का जो केपेक्स लाइव गया है सो अगेन दैट विल स्टार्ट जनरेटिंग रेवेन्यूज. तो अभी कंपनी का जो ईबिटा मार्जिन है वो कुछ 11-13% की रेंज में आपको दिखेगा एंड कंपनी ने इस बारी कॉन कॉल में फर्स्ट टाइम बात करी है कि नेक्स्ट 1 ईयर के लिए हमारे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हो सकता है ग्रोथ ना है क्योंकि डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत बढ़ रहा है. बट एज द केपेक्स गेट्स यूटिलाइज जो 2-3 साल में कभी भी हो सकता है देन द ईबिटा मार्जिन विल स्टार्ट एक्सपेंडिंग. केमिकल सेक्टर में कंपनी का जो कैश कन्वर्जन रेशियो है ईबिटा से दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एंड साथ साथ अगर आप इस कंपनी की वैसे बात करते हैं तो कंपनी के एसेट टर्न्स भी बहुत ज्यादा है क्योंकि 200 करोड़ के केपेक्स से 700 करोड़ का कंपनी सेल कर सकती है. फिर 30 करोड़ की इंक्रीमेंटल डी बॉटलनेकिंग से कंपनी की 300 करोड़ की सेल होगी एडिशनल. तो माने 230 करोड़ के क्यूमुलेटिव केपेक्स से कंपनी कैन डू 1000 करोड़ ऑफ सेल्स. तो ये तो कंपनी का अगर आप मेट्रिक सोचते हैं तो एसेट टर्न्स के कुछ आपको ऐसे दिखेंगे एंड साथ साथ कंपनी के ईबिटा मार्जिन जब नाइट्राइल लेटेक्स फुल कैपेसिटी पे आ जाता है सो ईबिटा मार्जिन विल स्टार्ट इंप्रूविंग. बट नेक्स्ट 2-3 quarters या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का आप जैसे देख सकते हैं जो मैनेजमेंट खुद ही बता रही है कि यहां पे इस टाइम पे हेडविंड्स हो सकती है क्योंकि वर्ल्ड में जो मेडिकल ग्लव्स है इस टाइम पे उनका ओवर सप्लाई चल रहा है. सो दिस वॉज अ थर्ड यूनिक बिजनेस क्योंकि पेन पीरियड के अंदर है इस वजह से बिजनेसिस आपके साथ हम लाइक पढ़ रहे हैं एंड डिस्कस कर रहे हैं एंड साथ साथ आप इसकी वीडियो भी यूट्यूब के ऊपर दे सकते हैं इफ यू वॉन्ट टू एजुकेट योर सेल्फ अबाउट द सिंथेटिक लेटेक्स एंड द सिंथेटिक रबर इंडस्ट्री इन इंडिया. इसके अलावा हम आते हैं फोर्थ बिजनेस की तरफ एंड फोर्थ बिजनेस भी थोड़ा सा एकदम डिफरेंट सेक्टर के अंदर है. अगर हम फोर्थ यूनिक बिजनेस की बात करते हैं सो यू विल ऑब्जर्व द ट्रेंड इन ऑल दीज एनालिसिस कि वी आर ट्राइंग टू लुक फॉर डिफरेंशिएशन सप्लाई साइड डोमिनेंस एंड ज्यादा कॉम्पिटिशन नाउ. फोर्थ बिजनेस जिसकी बात कर रहे हैं दिस ऑपरेट्स इन द शंट रेजिस्टर स्पेस एंड नेम ऑफ द कंपनी शिवालिक बायोमेटल जो हमने इस चैनल पे आई थिंक और भी 2-3 वीडियोस में पहले डिस्कस करी हुई है. तो यहाँ पे क्या है कि आज कंपनी का ईबिटा मार्जिन्स 23-25% के बैंड में आ चुके हैं एंड साथ साथ कंपनीज के 3 product divisions है. तो पहला प्रोडक्ट डिवीजन कौन सा है कंपनी का सो फर्स्ट प्रोडक्ट डिवीजन दैट द कंपनी इज इनटू शंट रेजिस्टर्स एंड शंट रेजिस्टर्स का जो मेन यूसेज है दैट इज टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट.
शंट रेजिस्टर्स का इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत यूसेज है, इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में बहुत यूसेज है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत यूसेज है, यहाँ तक जो सोलर स्टोरेज के लिए मतलब आपके इन्वर्टर्स यूज होते हैं उसके अंदर भी यूसेज है, स्मार्ट मीटर्स के अंदर भी यूसेज है, एंड यहाँ तक जो आपकी ईवी चार्जिंग के लिए आपके बेसिकली ईवी चार्जिंग के लिए चार्जर्स यूज होते हैं, स्टेशन यूज होते हैं, उसमें भी यूसेज है, एंड बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में भी यूसेज है इलेक्ट्रिक व्हीकल की। तो एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में आज ऑलमोस्ट 4 शंट्स लगते हैं, एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट इज टू रियलाइज इज दैट इंडिया के अंदर डोमेस्टिकली देयर इज ओनली वन कंपनी दैट इज इनटू शंट मैन्युफैक्चर, शंट रेजिस्टर मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज शिवालिक बायोमेटल। सेकंड बिजनेस थर्मोस्टैटिक बायोमेटल्स का, एंड जो थर्मोस्टैट एंड इंडिया का लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ थर्मोस्टैटिक बायोमेटल है। तो पहले जो आपके कलर्ड लाइक टीवीज आते थे, जो आपने देखे होंगे जो मोटे वाले टीवी आते थे जो उसके अंदर ट्यूब होती थी, उसका बहुत यूसेज था बायोमेटल्स का। तो 2019 में दैट इंडस्ट्री डाइड क्योंकि हर कोई घर के ने एलईडी और एलसीडी लगाते हैं, बट फिर भी थर्मोस्टैटिक बायोमेटल्स का आज भी ऑटोमोटिव में बहुत यूसेज है, एंड डिफरेंट इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स में भी बहुत यूसेज है, एंड इट इज ऑल्सो यूज एज अ क्रिटिकल कंपोनेंट इन टू प्रोटेक्ट बेसिकली ओवरलोड ऑफ डिवाइसेस। कि जैसे आपका अगर सपोज करते हैं कि कोई व्हीकल चल रही है एंड कोई कमर्शियल व्हीकल चल रही है एंड इंजन बहुत ज़्यादा ओवरहीट होने लग गया है, तो उसी टाइम पे जो बायोमेटल है डैट विल बेसिकली सेंड अ सिग्नल एंड फैन ऑन हो जाएगा इंजन को कूल करने के लिए। फिर पहले क्या था कि पूरे टाइम के लिए जो फैन है वो इंजन के लिए चलते रहेगा, इवन दो इंजन हीट भी नहीं हो रखा, तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि फ्यूल बहुत वेस्ट होता है। दिस इज वन ऑफ द यूसेजेस ऑफ बायोमेटल्स। थर्ड यूसेज क्या है इस कंपनी का जो प्रोडक्ट्स हैं, दैट इज ऑफ इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स, एंड इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स में की कॉम्पोनेंट्स फॉर कनेक्टिंग पॉइंट्स व्हेन अ स्विच इज टर्न्ड ऑफ और टर्न्ड ऑन। बट इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स इज अ लो मार्जिन बिजनेस, वेयर एज शंट रेजिस्टर्स एंड थर्मोस्टैटिक बायोमेटल इज अ हाई मार्जिन बिजनेस। एंड अगर आप कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज देखते हैं तो कंपनी का जो रेवेन्यू कैपेसिटी है सोलन हिमाचल प्रदेश में जो पहला प्लांट है, इफ समवन इज वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम सोलन ऑल्सो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, क्योंकि आपको इस कंपनी का नाम तो पता ही होगा क्योंकि सोलन एक छोटा शहर है एंड वहाँ पे इस कंपनी का नाम काफी है बिकॉज लाइक आई बीन टू देयर एजीएम्स। तो वहाँ पे भी इनका प्रोडक्ट टाइप अगर ये शंट रेजिस्टर्स बनाते हैं तो 700 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल है प्लांट वन से, प्लांट टू से 600 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल है, प्लांट थ्री से 300 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल है। तो माने ओवरऑल इस कंपनी को सिर्फ 20-30 करोड़ का केपेक्स करना है, एंड सेल्स पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटीज दैट दे हैव मेड इज 1600 करोड़, एंड आज जो सेल है कंपनी की कुछ 400-435 करोड़ के बीच में है। तो माने आज सिर्फ 35% यूटिलाइजेशन है इनकी कैपेसिटीज की। सो दिस इज व्हाट दे मेंशन्ड इन द कॉन कॉल्स। ऑल्सो बैरियर्स टू एंट्री इन द इंडस्ट्री आर, फर्स्ट एक तो कस्टमर से रेगुलेटरी अप्रूवल, कस्टमर के साथ क्लोजली काम करना उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर, फिर जाके आपका पूरा अप्रूवल का एक साइकिल चलता है। एंड थर्ड इज जो इलेक्ट्रॉनिक बीम वेल्डिंग मशीन हैं, दीज EBW मशीन्स आर कस्टमाइज एंड मेड बाय शिवालिक बायोमेटल देमसेल्व्स। अगर मशीन मैन्युफैक्चरर से ली तो उसके बाद खुद कस्टमाइज करके आपको वो बनानी पड़ेंगी। दिस इज व्हाट एंड्स अप रिफ्लेक्टिंग इन मोर देन 20% ऑपरेटिंग मार्जिन्स, क्योंकि एक छोटे से बिजनेस में अगर आप 20-25% मार्जिन्स कर रहे हैं एंड अगर आप कह रहे हैं कंसिस्टेंट मार्जिन्स हैं, सो इट मीन्स दैट द कंपनी इज डेफिनेटली डूइंग समथिंग दैट इज डिफरेंट। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल की वैल्यू चेन देखेंगे तो बहुत ज्यादा कंपेटिटिव वैल्यू चेन है, एंड ईवी की वैल्यू चेन में फाइंडिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स और नीश प्रोडक्ट्स इज समथिंग दैट इन्वेस्टर्स को इंडिपेंडेंटली होमवर्क जरूर करना चाहिए। सो दिस इज वन ऑफ दोज कंपनीज दैट केम बेसिकली, जो हमने आज से एक डेढ़ साल पहले भी वीडियो में दो तीन में कवर करा हुआ है। बट द आइडिया ऑफ द लाइक दिस वीडियो इज टू लुक फॉर यूनिक बिजनेसेस की सप्लाई साइड पे क्या चल रहा है, एंड इस कंपनी की फर्स्ट एवर अर्निंग्स कॉल हुई थी, एंड यू शुड डेफिनेटली लिसन टू दोज अर्निंग्स कॉल, क्योंकि ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स तो इनके अच्छे ही थे, बट जनरली इन कंपनीज के अंदर इफ द ग्रोथ इज देयर फॉर नेक्स्ट 3-5 ईयर्स तो फिर इन बिजनेसेस में होमवर्क करने में काफी मजा आता है। सो दिस वॉज द फोर्थ बेसिकली यूनिक आइडिया। इसके अलावा एडिशनली एक ऐप के साथ और आइडिया जो हमने पहले भी चैनल पे डिस्कस कवर करा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन भी आ रहे थे, दैट इज ऑन सिंजीन। एंड सिंजीन का इस क्वार्टर के अंदर फर्स्ट टाइम मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यूज देखे हैं फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट विद ज़ोएटीज, एंड दैट कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर 10 ईयर्स, $500 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है। तो ज़ोएटीज का वो जो मॉलिक्यूल है जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट है, बेसिकली दैट्स एन ऑथराइज्ड ड्रग फॉर डॉग्स, एंड उसका पेटेंटेड ड्रग है।
यूएस के अंदर भी अप्रूवल आ चुका है, अभी सिर्फ जो यूरोप है वहां पे बेसिकली सप्लाई शिप हो रही थी, बट अब लाइक यूएस से भी अप्रूवल आ गया, विच इज अ बिगर एनिमल फार्मा मार्केट एज कम्पेयर टू यूरोप। सो अगेन सिंजीन के केस में व्हाट यू हैव टू ट्रैक, इसकी मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यूज किस पेस पे ग्रो करते हैं, बिकॉज जो इनका आरएनडी और डेवलपमेंट वाला बिजनेस है, जो आरएनडी और डिस्कवरी वाला बिजनेस है, दैट बिजनेस इज एनीवेज डूइंग वेल, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में आता है, राइट। वेयर एज सीडीएमओ बिजनेस है, जो मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस है, दैट इज व्हाट वी हैव टू चेक। तो जब हमने इसकी आज से 3 साल पहले वीडियो बनाई थी, तो हमने डिस्कस करा था कि सिंजीन इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ प्लेटफॉर्म, कि डिस्कवरी सर्विसेज भी देंगे आपको, मॉलिक्यूल डिस्कवर करने में भी हेल्प करेंगे, देन आपके साथ आरएनडी भी करेंगे, जॉइंट आरएनडी एफर्ट भी करेंगे, देन आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैसिलिटी भी देंगे, देन यू कैन ऑल्सो गेट योर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड। तो यहाँ पे जोइटीज के साथ 11 ईयर ओल्ड कस्टमर रिलेशनशिप है, विच मूव फ्रॉम रिसर्च टू डिस्कवरी टू फाइनली डेवलपमेंट एंड देन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट मॉलिक्यूल। सो अगेन बहुत मतलब लॉन्ग टर्म बिजनेस ओरिएंटेशन है, बिकॉज अगर आप मार्जिन्स देखेंगे, सारी फार्मा कंपनीज के मार्जिन्स कोलैप्स करें, बट इस कंपनी के 29-30% के बीच में ही थे, एंड गाइडेंस क्या है, कॉन्स्टेंट करेंसी में हाई टीन्स रेवेन्यू एंड ईबिटा ग्रोथ। तो अगर आप इंडियन रुपी के अंदर देखेंगे, तो यू कैन बेसिकली आप उसको सोच सकते हैं कि अगर इंडियन रुपी इतने से डेप्रिशिएट होता है, तो इनकी कितनी ईबिटा ग्रोथ, पैड ग्रोथ या फिर टॉप लाइन ग्रोथ नेक्स्ट ईयर भी आ सकती है। दिस इज एज पर द मैनेजमेंट कॉन कॉल्स। सो दिस इज विद द लाइक एडिशनल एनालिसिस ऑफ सिंजीन, जो बहुत सारे लोगों ने कम्युनिटी में भी रिक्वेस्ट करा था। सो दीज आर द 4 यूनिक बिजनेसेस, एंड अलॉन्ग विद दैट द आइडिया ऑफ लाइक कवरिंग सिंजीन एंड अलॉन्ग विद दैट 4 बिजनेसेस, कि उनके रिजल्ट्स के साथ साथ हम सप्लाई साइड पे देख रहे हैं कि सप्लाई साइड पे ज्यादा कंपटीशन नहीं है, कंपनीज के मार्जिन्स अच्छे हैं, एंड कंपनीज के पास अच्छा ग्रोथ गाइडेंस है, दैट द कंपनीज विल कीप ऑन ग्रोइंग। इफ यू फाउंड वैल्यू इन दिस वीडियो, जस्ट ड्रॉप अ हेल यस इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज वी विल कीप एनालाइजिंग द रिजल्ट्स ऑफ यूनिक बिजनेसेस इन द कमिंग वीक्स एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, होप टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ SYC। जय हिंद।